Hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well and happy at your homes. Okay. Today we are going to explaining a poem to children. So let's start. It is as a revision class of chapter number 3 to children, written by Spike Milligan. Two children, small, 1 4 1 5, once a bee go into a hive. They had never seen a bee before, so waited there to see some more. And sure enough, along they came, a dozen bees, and all the same. Within the hive they buzzed about, then one by one they all flew out. Said four, "Those bees are silly things, but how I wish I had their wings." Okay. तो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि देखो, उन्होंने कभी भी मधुमक्खियां नहीं देखी थी. ठीक है, तो वो देखते हैं कि एक बी को उन्होंने देखा कि वो छत्ते के अंदर जा रही है. वो थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होगा और कुछ देखने के लिए. ठीक है, तभी क्या हुआ कि वहाँ बहुत डजन मधुमक्खियाँ, बहुत सारी एक साथ एक एक करके उससे निकल रही थी, एक साथ निकली और सबकी सब एक ही जैसी सेम. और उस छत्ते के पास से आवाज़ आ रही थी, मधुमक्खियाँ ऐसे बन बनाती है ना, उस तरह की आवाज़ आ रही थी. देन वन बाय वन दे ऑल फ्लू आउट, और इसके बाद सब एक एक करके उड़ गए. तो वहाँ जो बच्चा मौजूद था उसने बोला कि चलो, बीस तो एक मूर्खतापूर्ण वस्तु है, एक मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये सब. चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मेरे पास भी मधुमक्खी जैसे पंख होते तो कितना अच्छा होता. ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू. वन मोर थिंग, आपको पता चला ना क्या है कि इसमें दो बच्चे थे. उन बच्चों ने आपस में बात की, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना कहीं और हमने कुछ नई चीज़ देख ली होती है, तो हम क्या होते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिस्कशन करने लगते हैं, ये क्या है. तो इस तरीके से उन फ्रेंड्स में भी डिस्कशन होने लगा और उन लोगों ने कभी नहीं देखा, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक थी कि वाह, व्हाट इज़ दिस. और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मधुमक्खी एक एक करके, उनको ना कई सारी मधुमक्खियाँ देखी जो कि सेम कलर, उनके पास सेम विंग्स थे. अपने पास तो ड्रेस कोड भी होता है, प्लस फेस भी सबके डिफरेंस होते हैं, बट मधुमक्खियों में आपने देखा है क्या कि वो उनके डिफरेंट फेसेस होते हो, या डिफरेंट कलर के विंग्स होते हो, या डिफरेंट कलर की बॉडी होती हो? नहीं ना. तो ये सारी चीज़ें देख करके बच्चे थोड़ा एक्साइटेड थे कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज डूइंग एट द हाइव. ओके, हाइव में क्या कर रहे थे वो लोग, भुन 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 भुन. हाइव में क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, और उसी हाइव में मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हनी भी करती हैं. राइट, तो हनी बहुत सारा स्टोर करते हैं, यही सारा कुछ बच्चे देखना चाहते थे. तो आपको उनके बारे में जान कर के कैसा लग रहा है? अगर आप भी देखते हो ऐसी चीज़ें तो आपको भी खुशी होती है. तो इसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ बताओ मुझे जो आपने पहली बार देखी हो, और उसके बाद उसके बारे में आपने क्या रियलाइज़ किया, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है, कैसा आपको लगा उस चीज़ के अकॉर्डिंग कि ये क्या है, उसके बाद आपको कैसा आंसर मिला और वो चीज़ क्या कर रही थी, किस सिचुएशन में थी. मतलब जैसे कि हाइव में बीज हाइव में जा रही थी और बहुत सारी बीज वहाँ इकट्ठा थी और सब वो बजिंग कर रही थी, उसी तरीके से जैसे आपने कोई फ्लावर देखा हो तो उस फ्लावर का मुझे बताओ कि वो फ्लावर क्या है. ठीक है, इस तरीके से आप देखो. गुड बाय ऑल ऑफ यू.
and have a nice day. I hope you enjoy this chapter.